इतने महंगे महंगे फोन खरीदते हैं और डर रहता है कि कहीं गुम ना जाए, टूट ना जाए, कहीं खो ना जाए फोन, तो उसका एक ही सलूशन है और वो है मोबाइल इंश्योरेंस। क्या है ये मोबाइल इंश्योरेंस, आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं टेक तक और मैं हूँ श्रुति शर्मा। तो मोबाइल इंश्योरेंस क्या होता है? मोबाइल इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वैसे ही मोबाइल इंश्योरेंस होता है। आपको प्रीमियम देना पड़ता है अपने मोबाइल फोन की सेफ्टी के लिए, और अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो कंपनी जिससे आपने इंश्योरेंस लिया है आपके फोन के खोने या चोरी होने का भुगतान करेगी। कैसे पा सकते हैं मोबाइल इंश्योरेंस, क्या कंपनीज है, कितना प्रीमियम देना पड़ता है और क्लेम कैसे लेते हैं, ये बताएंगे आपको हम। डू एंड डोंट्स भी बताएंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और आखिरी तक देखिएगा। मोबाइल इंश्योरेंस आपको मिलेगा जब आपका फोन एक्सीडेंटली टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है या खो जाता है, तभी आपको मोबाइल का इंश्योरेंस मिलेगा। दूसरा, मोबाइल इंश्योरेंस आप करा सकते हैं जिस दिन आप फोन खरीद रहे हैं उसी दिन या खरीदने के 5 दिन के अंदर ही, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। मोबाइल इंश्योरेंस 1 साल का ही होता है, यानी जिस साल से आपने फोन का इंश्योरेंस कराया है उससे 1 साल पूरा। कई कंपनीज 2 साल भी देती हैं, बट यूजली 1 ही साल होता है और दूसरे साल में वो एक्सटेंडेड वारंटी बन जाता है। काफी कंपनीज हैं जैसे सिस्का, गैजेट, बिस्कुट, वारंटी बाजार, एप्स डेली, कुछ इस तरह की कंपनीज आपको मिल जाएंगी जब आप इंटरनेट पे नाम खोजेंगे, जो कि आपको मोबाइल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं और आपकी मोबाइल की इंश्योरेंस कराती हैं। तो जब मोबाइल इंश्योरेंस करा रहे हो तो कंपनी के प्राइजेस और प्रीमियम जरूर कंपेयर कर लें और जो सबसे अच्छी डील हो उसी कंपनी से आप अपने मोबाइल की इंश्योरेंस कराएं। आपको इंश्योरेंस के प्रीमियम का बेसिक आइडिया दे देते हैं। जो इंश्योरेंस होती है वो आपके फोन की कीमत पे डिपेंड करती है, तो जितना महंगा फोन होगा उतनी महंगी इंश्योरेंस प्रीमियम भी होगी। सो जैसे 5,000 से 10,000 का फोन होगा तो उसका प्रीमियम होगा लगभग 600 रुपए, वहीं 10,000 से 15,000 का फोन होगा तो प्रीमियम होगा लगभग 900 रुपए, वैसे ही 15,000 से 20,000 का फोन होगा तो उसका प्रीमियम होगा लगभग 1,300 रुपए, और वहीं 20,000 से 25,000 का फोन होगा तो उसका प्रीमियम होगा लगभग 1,500 रुपए, और वहीं 25,000 से 30,000 या 40,000 का होगा तो प्रीमियम होगा लगभग 2,000 रुपए, और ऐसे ही वो बढ़ता रहता है। तो वो जरूर प्राइजेस आप चेक कर लें, हमने आपको बहुत बेसिक प्राइजेस बताए हैं प्रीमियम इंश्योरेंस के। तो जब आप इंश्योरेंस कराएंगे कंपनी से तो वो आपको बकायदा एक प्रूफ देंगे जिससे कि पता होगा कि हाँ, आपने उस कंपनी से अपने मोबाइल का इंश्योरेंस कराया होगा जब आप क्लेम करना चाहते होंगे। अब मोबाइल इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें? अगर आपका फोन चोरी हो जाता है या गुम जाता है तो उसके लिए पहले आपको फोन का बिल देना पड़ेगा, दूसरा आपको अपना सिम ब्लॉक कराना पड़ेगा, तीसरा ये कि आपको FIR कराना पड़ेगा और उसकी कॉपी आपको उस इंश्योरेंस कंपनी को दिखानी होगी, चौथा ये कि आपको सीरियल नंबर बताना पड़ेगा उस मोबाइल फोन का। जब ये चीजें आपके पास होंगी तो इंश्योरेंस कंपनी को आप ये भिजवा दें। अगर आपका फोन टूट जाता है तो वो कंपनी आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे उस फोन को भेजेगी। डैमेज कितना हुआ इस फोन पे और उसके रिपेयर पे कितना पैसा लगेगा, एक एस्टिमेट बना के आपको एक पेपर दे दिया जाएगा जो उस कंपनी को आपको देना है, ताकि उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस पैसा आपको मिले। इंश्योरेंस कंपनी को सारे पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर आपको देने हैं, और उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी भी आप ले सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर। एक्सटेंडेड वारंटी 1 साल की और होती है, और आपको बता दें इस एक्सटेंडेड वारंटी में एक्स्ट्रा पैसा भी कई बार लगता है और कई बार नहीं लगता है, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। और साथ में आपको बता दें कि एक्सटेंडेड वारंटी में सिर्फ मोबाइल में अगर कोई खराबी होगी वो ही कवर होगा, चोरी या अगर फोन खो जाता है वो सब कवर नहीं होता। डू एंड डोंट्स जल्दी से बताते हैं आपको मोबाइल इंश्योरेंस कराने की। पहली ये कि फोन बहुत महंगा हो तभी इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि तभी उसमें फायदा है। दूसरा ये कि जब इंश्योरेंस करा रहे हैं आप तो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी की जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा झोल भी होता है। अगर आप उसका प्रिंट आउट ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको बता दें कि इंश्योरेंस जो है वैल्यू डिप्रिशिएट करती है मोबाइल फोन की, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपका फोन नया है और घुमा है तो हो सकता है उसका पूरा अमाउंट आपको मिल जाए, लेकिन जब जैसे जैसे फोन पुराना होता जाता है उसकी वैल्यू जो है डिप्रिशिएट होती रहती है, तो आपको पूरा अमाउंट फोन का नहीं मिलेगा जितने का वो फोन था। डिपेंड करेगा कि फोन कितना पुराना है और उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस में पैसा वापस मिलेगा। और आखिरी में ये, झूठ मत बोलिएगा कि आपका फोन चोरी हो गया है या गुम गया है, वही बताइएगा जो हुआ है असली में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी आराम से ये पता लगा सकती हैं। और ऐसे में फॉर्जरी करेंगे तो इंश्योरेंस का पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो डोंट लाइक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड मोबाइल इंश्योरेंस से पूछें, हम उसका जवाब देंगे। और अगर ऐसे ही कुछ वीडियोस और आप देखना चाहते हैं टेक तक पर तो हमें जरूर बताएं कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप गैजेट से कंसर्निंग। आप देख रहे हैं टेक तक।